हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इजी स्विंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं शेयर कर रही हूँ क्यूलॉट्स की कटिंग और स्टिचिंग, और उसके लिए मैंने लिया है कॉटन फैब्रिक और ये है 2 मीटर फैब्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूलॉट बनाने के लिए हमें ये मेजरमेंट्स चाहिए होंगे, लेंथ, वेस्ट, हिप राउंड, और ये कैलकुलेशंस चाहिए हमें। सबसे पहले वेस्ट, मैं बना रही हूँ क्यूलॉट्स इलास्टिक वेस्ट बैंड वाला, तो मैं इसमें वेस्ट मेजरमेंट के लिए हिप राउंड का मेजरमेंट लूँगी ताकि हम उसे इजीली पहन सकें। तो वेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम हिप राउंड मेजरमेंट से। हिप राउंड प्लस 3 इंच की ईज, अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 37 इंच, तो 37 + 3 हुआ 40 इंच, 40 / 4 10 इंच। तो मैं क्यूलॉट्स के लिए वेस्ट लूंगी 10 इंच। हिप के लिए मैं 4 इंच की ईज ऐड कर रही हूँ, तो हिप राउंड प्लस 4 इंच की ईज, और इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 37 + 4 41 डिवाइडेड बाय 4 10.25 इंच। क्रॉच हम कैलकुलेट करेंगे हिप राउंड डिवाइडेड बाय 3। मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 37 इंच, 37 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। अब 12 में से हमने बेल्ट लेंथ माइनस करनी है, बेल्ट लेंथ मैं ले रही हूँ 1.5 इंच, तो 12 - 1.5 होगा 10.5 इंच, तो क्रॉच हम लेंगे 10.5 इंच। और लेंथ के लिए फुल लेंथ माइनस बेल्ट लेंथ प्लस सीम अलाउंस। जैसे मेरे मेजरमेंट में फुल लेंथ है 32 इंच, उसमें से बेल्ट लेंथ माइनस करूंगी मैं 1.5 इंच, और सीम अलाउंस ऐड कर दूंगी वो भी है 1.5 इंच, तो 32 - 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच होगा 32 इंच, तो लेंथ लूंगी मैं 32 इंच। तो कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को सबसे पहले फोल्ड किया है विड्थ वाइज, और मैं इसे बना रही हूँ ऑफ ग्रेन क्योंकि मुझे ये जिगजैग लाइंस हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका सेंटर मार्क करूंगी, ये है 19.5 इंच, तो मिड पॉइंट होगा 10.25 इंच, तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 10.5 इंच पर, और अब मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगी। अब मैं ऊपर 0.5 इंच का सीम अलाउंस छोड़ रही हूँ। अब मैं निशान लगाऊंगी वेस्ट मेजरमेंट के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, वेस्ट के लिए हम लेंगे हिप राउंड प्लस ईज, और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे। जो मेरे मेजरमेंट में आया था 10 इंच, तो इस लाइन को सेंटर लेते हुए मैं 5 इंच पर दोनों तरफ निशान लगा दूंगी। अब क्रॉच के लिए हम लेंगे हिप राउंड डिवाइडेड बाय 3, और उसमें से बेल्ट लेंथ को माइनस कर देंगे, तो मेरे मेजरमेंट में वो था 10.5 इंच पर, तो मैं यहाँ पे 10.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। और अब वेस्ट लाइन से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पर, ये होगी हिप लाइन, और यहाँ पर मैं हिप मेजरमेंट मार्क करूंगी। और हिप के लिए हम लेंगे हिप राउंड मेजरमेंट प्लस 4 इंच की ईज, और उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे मेजरमेंट में आया था वो 10.25 इंच, तो फिर से मैं इस लाइन को सेंटर लेके दोनों तरफ निशान लगाऊंगी। अब क्रॉच लाइन पे हम यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बना रहे हैं तो आप इसे 3 इंच तक ले सकते हैं, 2.5 इंच या 3 इंच तक। और अब मैं यहाँ क्रॉच कर्व बनाऊंगी। और अब मैं लेंथ मार्क करूंगी, जो होगी फुल लेंथ माइनस बेल्ट लेंथ प्लस सीम अलाउंस, और ये मेरे मेजरमेंट में है 32 इंच, तो मैं यहाँ 32 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब बॉटम के लिए मैं इस कपड़े की पूरी विड्थ ले रही हूँ, और दोनों तरफ मैं 0.5 इंच का सीम अलाउंस छोड़कर यहाँ निशान लगाऊंगी, और इसे जोड़ देंगे क्रॉच पॉइंट से। अब नीचे से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे दोनों साइड से, और इन्हें हल्के कर्व के साथ जोड़ देंगे।
अब मैं 1 इंच का सीम अलाउंस ऐड कर रही हूँ दोनों तरफ और इन पॉइंट्स को मैं जोड़ दूंगी। तो फ्रंट के लिए मार्किंग कंप्लीट है, अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। बैक की कटिंग के लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड किया है और इसके ऊपर मैंने फ्रंट को रख दिया है। यहां से मैं 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। और क्रॉच लाइन पर हमने फ्रंट के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाया था, बैक को हम ज्यादा रखेंगे तो मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज के लिए आप 4.5 से 5 इंच तक निशान लगा सकते हैं। और अब मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूंगी। मैं इसमें सीम अलाउंस नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रंट में इंक्लूडेड है। और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो क्यू लॉट की कटिंग कंप्लीट है, अब मैं बेल्ट की कटिंग करूंगी। तो ये हमारी बेल्ट है, तो इसकी लेंथ है 3 इंच और विड्थ में मैंने वेस्ट मेजरमेंट से 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और इसी के साथ क्यू लॉट की कटिंग कंप्लीट है, अब इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैं फ्रंट और बैक के क्रॉच पर सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने ये क्रॉच स्टिच कर दिया है और इसे ओवरलॉक कर दिया है। और अब मैं दोनों साइड्स पर स्टिच करूंगी। यहां पर बैक फ्रंट से ज्यादा होगी क्योंकि हमने उसे ज्यादा कट किया है। आपको इन दोनों को जोड़ना है और स्टिच कर देना है। तो मैंने ये साइड की सिलाई भी लगा दी और इसे भी ओवरलॉक कर दिया है। अब मैं पोंचे को फिनिश करूंगी। तो ये पोंचा भी फिनिश हो गया है, अब मैं सेंटर की सिलाई लगाऊंगी। अब मैं बेल्ट अटैच कर रही हूं।
तो मैंने ये बेल्ट अटैच कर दी है और इसे ओवरलॉक कर दिया है। अब बेल्ट को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉर्नर पे, और इसमें हम 1 इंच की सिलाई छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। तो मैंने बेल्ट जोड़ दिया है और अब मैं इलास्टिक डालूंगी इसमें, और इलास्टिक मैंने लिया है वेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से। फैब्रिक पर हमने वेस्ट पर निशान लगाया था हिप राउंड के हिसाब से, लेकिन इलास्टिक हम लेंगे वेस्ट मेजरमेंट के हिसाब से। तो मेरे मेजरमेंट में वेस्ट है 31 इंच, मैं उसमें से 3 इंच माइनस कर दूंगी तो आएगा 28 इंच। तो मैंने इलास्टिक लिया है 28 इंच का और अब मैं इसे बेल्ट में डाल दूंगी, और उसके लिए मैंने लिया है सेफ्टी पिन। अब इलास्टिक को जोड़ देंगे, और इसे बंद करने से पहले एक बार आप ट्राई कर लीजिए, अगर आपको फिटिंग सही है तो आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं जो हमने ओपनिंग छोड़ी थी इलास्टिक डालने के लिए। अगर आपको लूज है तो आप इलास्टिक टाइट कर सकते हैं। और अब मैं इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगा रही हूं ताकि इलास्टिक मुड़े ना बेल्ट में, और इसके जो गैदर्स होंगे वो भी इक्वल आएंगे पूरी बेल्ट पर। तो मेरे क्यूलॉट्स कंप्लीट हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे वीडियोस देखने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।